एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने बहुत ही इजी स्टेप्स में क्रिएट किया है, तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लुक के लिए मैं कलर रिवॉल्यूशन प्रो HD पैलेट लिया है। इस पैलेट से ब्राउन शेड ले रही हूँ, इससे मैं आईब्रो का शेप बनाऊँगी। एंड मैंने इसके लिए एंगुलर ब्रश लिया है और अंदर मैं इसको लाइटली लाइटली फिल करूंगी। नाउ अब मैं ब्लैक स्केच पेन ले रही हूँ और इसमें हेयर्स ड्रॉ करूंगी। एंड जब भी आप हेयर्स को ड्रॉ करें तो आप ब्लैक स्केच पेन ही लो, ये जल्दी से ड्राई आउट हो जाता है। देन हेयर्स को ड्रॉ करने के बाद मैं लाइट आउटलाइन क्रिएट करूँगी, जिससे आईब्रो का शेप बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। एंड अब मैं कंसीलर लूँगी आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, जब भी हम ओरिजिनल आईज में वर्क करते हैं तो हम आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए हमेशा कंसीलर का ही यूज करते हैं। आप जो भी कंसीलर का यूज करिए, वो आपकी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर होना चाहिए, या फिर आप वाइट कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो आई शेडो लगाते हैं तो हमारे आई शेडोज का कलर काफ़ी उभर के आता है। मैंने आई शेप क्रिएट कर लिया है। अब मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, जो हमारे आईज की क्रीज लाइन होती है, सिर्फ उसमें ही हमको अप्लाई करना है सी शेप में। एंड देन इसके बाद मैं रेड कलर ले रही हूँ और इसको ब्राउन शेड पर ओवरलैप करते हुए अप्लाई करना है। पहले आप डिपॉजिट कीजिए कलर को, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन में आप उसको ब्लेंड करिए। रेड शेड को ब्लेंड करते हुए मैं इसको आउटर कॉर्नर की तरफ हल्का सा मैं इसको शेड दूंगी, आप देख सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ऊपर की तरफ इसको मैं ले जा रही हूँ। इससे हमें क्रीज लाइन के ऊपर के वो ट्रांजिशन शेड क्रिएट होगा। नाउ मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ और इसको थोड़ा क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा लाइन क्रिएट होगी और हमारे आईज को थोड़ा डेप्थ मिलेगा, और इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मैंने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, ये पैक का है। और अब मैं इसको आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड को अप्लाई करूँगी। अब मैं रेड शेड लूँगी, जो मैंने ट्रांजिशन शेड को क्रिएट करने के लिए लिया था, और इसको मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ये लाइट ब्लू शेड ले रही हूँ और इसको मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आई लिड पर अप्लाई करूँगी। अगर आप फिंगर से अप्लाई करते हैं तो फिंगर से ही बहुत ही अच्छा अप्लाई होता है और काफ़ी ये आई शेडो कलर उभर कर आता है। ये ना बहुत ज़्यादा सिमरी है और ना बहुत ज़्यादा मैट में है। एंड अब मैं इसकी एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं आउटर कॉर्नर पर सिल्वर ग्लिटर अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, इस आई मेकअप को आप इंगेजमेंट मेकअप लुक में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी क्लाइंट इस कलर में कोई भी आउटफिट वेयर करती हैं, जनरली ब्राइडल में इस कलर के आउटफिट्स वेयर नहीं किए जाते, तो आप इंगेजमेंट में ये आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं ब्लैक आईलाइनर अप्लाई करूँगी, तो आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत ही स्लोली इसको ड्रॉ कर रही हूँ स्मॉल स्ट्रोक में। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा ही करना है। अब मैं ब्रो बोन में हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। अब मैं नोज का शेप क्रिएट करने के लिए ब्राउन शेड ले रही हूँ और मैंने इसके लिए बहुत ही पॉइंटेड ब्रश लिया है, इससे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड भी हो जाता है। अब मैं आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी और आईलैशेस अप्लाई करने के बाद अब मैं
पॉइंटेड आईलाइनर अप्लाई करूँगी और आईलाइनर को थोड़ा थिक अप्लाई करूँगी। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक।